हाय एवरीवन, बच्चों ये है स्टैंडर्ड 11 की फाइनल एग्जाम की पेपर स्टाइल का वीडियो नंबर 2 और हम पहुंचे हैं सेक्शन बी। तो बच्चों सेक्शन बी जिसमें मैंने आपको सबसे पहले पैराग्राफ वाले सवाल जवाब पूछे हैं जो 8 मार्क के होंगे। मैं प्रश्न का क्रमांक बोलता हूँ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34। मतलब के 27 से लेकर 34 तक जो हो गए पैराग्राफ वाले सवाल जवाब और जिसके हो गए 8 मार्क्स, 8 प्रश्न हो गए, 8 मार्क्स हो गए, बराबर। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 35, बराबर बच्चों। तो जिसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट पूछी है, शॉर्ट नोट रहेगी 3, जिसमें से आपको 2 लिखनी है और जिसके होंगे 6 मार्क्स, बराबर बच्चों। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38। इसमें ना बेटो बच्चों मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ दिया होगा जिसकी 3 ब्लैंक्स होगी और 4 ऑप्शन होंगे। इस प्रकार का प्रश्न 12वीं में भी पूछते हैं। तो ये प्रश्न है 36, 37, 38, बराबर, जो 3 मार्क का रहेगा और आपको पूरा पैराग्राफ लिखकर उसकी खाली जगह आपको पूरनी है, ब्लैंक फिलअप करनी है, 3 ब्लैंक्स, 4 ऑप्शन, बराबर, और मोस्ट ऑफ ली टेक्स्ट बेस्ड ये पैराग्राफ रहता है। उसके बाद पहुंचे हम सेक्शन सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है बेटा ये प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक में बोल दूँ 39, 40, 41 और 42, जिसके हो गए 4 मार्क्स। आपको पता है ना सप्लीमेंट्री के पैराग्राफ आपको पूछे जाते हैं, बराबर, तो उस प्रकार से एक पैराग्राफ होगा और जिसके हो गए 4 मार्क्स। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 और 46, जिसमें मैंने आप लोगों को एकदम ईजी क्वेश्चन पहुँचा है वर्ब फॉर्म, बराबर बच्चों। मैंने V1 दिया है, आप लोगों को V2 और V3 लिखना है, इसके भी 4 मार्क्स रहेंगे, बराबर। स्पेलिंग ध्यान से लिखना है इसमें, अगर स्पेलिंग गलत रहेगा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49। तो जो पोएम के सवाल जवाब हो गए उसमें पोएम का एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके 3 प्रश्न है, 3 मार्क्स है, 47, 48 और 49। अब हम पहुंचे सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 50, डू एज डायरेक्टेड, जिसका है 4 मार्क्स। इसमें बेटा आपको पता है कि डू एज डायरेक्टेड में एक्टिव पैसिव, जाति बदलो, बहुवचन करो, आई का वी करो और काल परिवर्तन करो, उस प्रकार से विविध प्रकार के 5 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड उसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जिसका है 4 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, बराबर, तो उसमें भी डू एज डायरेक्टेड है, उसके भी 4 मार्क्स है, बराबर बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, 52, रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन नंबर 52, इसकी भी है बेटा 4 मार्क्स। उसके बाद हम पहुंचे हैं सेक्शन ई, आपका लास्ट सेक्शन, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।